दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत अंकिता ने 2010 से अपने करियर की एक साथ शुरुआत की थी और 2010 से 2016 तक ये साथ रहे। पवित्र रिश्ता के सीरियल से ही दोनों ने डेब्यू किया था और इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह सुशांत ने अंकिता को प्रपोज किया था, अपने प्यार का इजहार किया था। दरअसल इस सीरियल की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और इसी बॉन्डिंग के चलते दोनों के बीच प्यार का रिश्ता, पवित्र रिश्ता बन चुका था। लोगों को भी इनकी जोड़ी खूब पसंद आती थी, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। तो इसी बीच किसी शो में दोनों साथ में मौजूद थे और उस शो में सुशांत से पूछा गया कि उन्हें अंकिता कैसी लगती हैं, और तभी सुशांत ने पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अंकिता के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए बताया कि अंकिता उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं, वो सेट पर उनका बहुत ख्याल रखती हैं और उनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्यार का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर अंकिता मान जाए तो मैं उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँगा, सिर्फ सीरियल में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी। तो इस तरह पूरी दुनिया के सामने बेधड़क बेबाक तरीके से सुशांत ने अपना दिल खोलकर रख दिया था अंकिता के सामने, और अंकिता की शर्म भरी मुस्कुराहट ने भी बयां कर दिया था कि वो भी सुशांत के लिए बिल्कुल वैसा ही फील करती हैं जैसा कि सुशांत उनके लिए। और तब से ही फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्दी ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे, असल जिंदगी में भी। इनके फैंस को भी उतना ही इस शादी का इंतजार था जितना कि खुद इन दोनों को। मगर सुशांत की फिल्मों में जाते ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंकिता में कुछ इनसिक्योरिटी आने लगी और फिर धीरे धीरे इन छोटे छोटे झगड़ों ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों का 2016 में ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप से न सिर्फ इनके दिल टूटे बल्कि इनके करोड़ों फैंस के भी दिल टूट गए जो इन्हें हमेशा साथ देखना चाहते थे, इनकी शादी का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब सुशांत तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर अब हम चाहते हैं कि अंकिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहें और सुशांत को न्याय मिले ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।